तो यहाँ क्यों आई हो? हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मतलब बेघर हो? एक घर था पर हम छोड़ आए। देर नहीं हुई है, पुलिस में रिपोर्ट की तुमने? क्या बोलने के लिए कि उसने मुझे मारा नहीं? तुम्हारे लिए घर ढूंढना होगा। डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर में जगह है, लेकिन आ जाओ, तुम यहाँ सेफ हो। मैं एलेक्स हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इस हालत में कैसे पहुंची। मेरी मॉम की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो अभी गायब है। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि मुझे राइटर बनना था, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हो गई और अब मैं सिंगल मॉम हूँ। जेल से छुट्टी हो? नहीं। बैकग्राउंड चेक करूँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं, ये बस ट्रायल है। तो आज से शुरू करना है? तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना? सब खाद में जाएगा जिसमें लिखा है कम पोस्ट। पढ़ना आता है या डिब्बा दिखाऊं? पढ़ना आता है। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते, बेटी के लिए जी रही हूँ। एलेक्स, आज मैंने बिल्कुल नहीं पिया। उसे मत छोड़ो, वो कोशिश कर रहा है। वो काटने से पहले भौंकते ही है। सारे बिल्स मैं भरता हूँ, तुम मेरे दोस्तों के साथ घूमती फिरती हो, ये सब मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम्हें मारने से पहले वो ऐसे ही डराते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। मिस रसल, क्या आपने उस रात पुलिस कंप्लेन दर्ज की थी? नहीं। तुम बच्चे को ऐसे बाहर नहीं ले जा सकती, ऐसे कस्टडी नहीं मिलेगी। यही तकलीफ है, तुम एक तकलीफ हो। कभी किसी को अपना फायदा न उठाने देना। अब तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब मैं बेटी के साथ घर के बारे में सोचती हूँ तो वो बड़ा और सामान से भरा नहीं होता, वो असली घर होता है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।